नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट उसके बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा जो है ऑक्सीजन गिविंग प्लांट होता है, और ये इसको आप सभी जानते हैं और ये हाउस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्लांट क्या है? टेम्पल प्लांट ड्यू फिट आभा में आपका जो है मैं आभा स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, रबर प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट है और ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी, देखिए इसकी पत्तियाँ आप देखिए काफ़ी थिक होती हैं और ये इतने शाइनी होती हैं, इसमें एक बहुत अच्छा शाइन होता है। आप जब घर के कॉर्नर में आप रखते हैं तो घर का कॉर्नर एकदम खिल उठता है। तो इस तरह से ये इसकी देखभाल अगर हम देखेंगे, बाकी चीज़ें उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि ये जो है इसका जो है बोटैनिकल नेम जो है वो फाइकस इलास्टिका, इसका बोटैनिकल नेम है। वैसे तो इसको कॉमनली हम रबर प्लांट के नाम से जानते हैं। और इसके लिए दो वैरायटी होती है, एक तो ये प्लेन कलर्स में आते हैं और दूसरा जो है ये वेरीगेटेड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी लीव्स जो है कितनी सुंदर हैं, ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन इतना सुंदर लगता है कि क्या बताएं। बहुत ही सुंदर प्लांट है दोस्तों, और इसको जो है देखभाल करना भी बहुत आसान होता है। इसको आप घर के कॉर्नर में, जैसा मैंने बताया, उसको आप रख सकते हैं। और जब इसके लीव्स की शाइन अगर बरकरार रखना है तो आपको क्या करना है कि कोई भी जैसे कपड़ा लेके आप इसको थोड़ा सा हल्का सा गीला करें, हल्का सा गीला करके और अपना हाथ जो है इसके नीचे रख के और इसको धीरे से ऐसे पोंछ दें। तो इस तरह से इसकी लीव्स जो है हमेशा शाइन करती रहेंगी। आप जो है घर के अंदर जब भी रखेंगे तो ये देखने में हमेशा चमकदार बनी रहेंगी। और अब मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी में भी इसको बहुत ज़्यादा आपको जो है करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एक भाग मिट्टी लेते हैं, एक भाग रेत लेते हैं और उसमें आधा भाग जो है कोई कंपोस्ट मिला देते हैं तो एक सिंपल मिट्टी इसके लिए तैयार हो जाती है। पानी का ख्याल हमें बहुत रखना होता है क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हैं। तो पानी हमेशा आप जो है देख के डालें, जब इसका अपर लेयर थोड़ा जब ड्राई हो जाए तब आप इसमें हमेशा पानी डालें। और इसको जो है धूप की भी बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। इंडोर प्लांट का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ उसको हम पूरी तरह से अंदर ही रखेंगे। इंडोर जब भी आप रखेंगे, इंडोर रखेंगे तो हमेशा ऐसी जगह पे रखिए घर के अंदर जहाँ पे वो थोड़ा सा लाइट आता हो, ब्राइट लाइट आ रहा हो। सुबह का अगर 2-3 घंटा अगर धूप इस प्लांट को अगर मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। और ये देखने में तो आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत लगता है। और इसका प्रोपोगेशन भी इसका बहुत आसान है। तो आज मैं ये मेरा प्लांट देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं इसको आपको प्रोपोगेट करके भी दिखा देती हूँ। इससे आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और जैसे कि ये है, हर एक नोड पे एक एक लीव्स आप देख रहे हैं, एक यहाँ निकला है, एक यहाँ निकला है, एक यहाँ, तो हर नोड से जो लीव्स निकल रही है उससे भी, और इसके अलावा जो है इसका जो है टॉप भी हम डाल के, तो इससे हम एक अगर प्लांट को कट करते हैं तो उससे जो है कई प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से आज मैं इसको प्रोपोगेट कर रही हूँ कि जो है कैसे इसको करना है। तो ये देखिए, जैसे ही इसको हम कट करते हैं तो देखिए इसमें से एक दूध जैसा मतलब जो है पदार्थ निकलता है। तो इसको जो है हमें क्या करना है, पूरी तरह से निकल देने जाने देना चाहिए और इसको ड्राई कर देना चाहिए पूरी तरह से। इसको जब आप ड्राई कर देंगे ना, तब इसके बाद हम इसको इस प्लांट को लगाएंगे। अब यहाँ से हम क्या देखिए, हर नोड के पास से जो है हम इसको कट कर रहे हैं। ये कट किया। अब इसको जो है हम इस तरह से ये। अब देखिए इससे हम देखिए कितने सारे प्लांट हमारे ये बन जाएंगे। आप देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, ये मैं मिट्टी जो है देखिए पहले से ही मैं तैयार करके सब रखा हुआ है मैंने। तो मिट्टी का वैसे ही मैंने बताया था आपको कि इसमें जो है वो आप इसको सैप को जो है इसके सुखा देंगे, सुखा के अब ये सिंपली देखिए इस मिट्टी में हम इसको ऐसे गाड़ देंगे इस तरह से मैंने मिट्टी में इसको लगा दिया। और इसी तरह से जो है सारे प्लांट मतलब हर एक प्लांट को अच्छी तरह से इसका सैप जो है सुखा देंगे, या हम अभी इसको क्या करेंगे थोड़ी देर तक इसको रहने देंगे ताकि इसका सैप पूरी तरह से निकल जाए, तो हम इसको
आराम से लगा सकते हैं। देखिए ये इस तरह से, क्योंकि इसका सैप जो होता है दोस्तों ये थोड़ा पॉइजनस होता है। ये देखिए इसको मैंने इस तरह से सभी प्लांट को मैंने लगा दिया। ये देखिए इसको लगा दिया और हर प्लांट से इसलिए क्योंकि ये जितनी भी इसकी जो है ये लीव्स होती हैं वहाँ से। अब ये देखिए एक मैंने लगाया भी था, ये नया प्लांट मतलब ये ऐसे ही मैंने कट करके इसको दूसरा प्लांट था मेरा इसको लगाया था और ये देखिए निकल आया है। इसमें से देखिए नई लीव्स आ रही हैं। ये प्लांट कितने अच्छे तरह से लग गया है। तो आप इसको जो है बहुत अच्छी तरह से अपने घर में जो है लगा सकते हैं। और ये सब जानकारी आप जैसे इसको कैसे प्रोपोगेट भी करेंगे और इसके अलावा इसकी देख रेख कैसे करेंगे, पानी कैसे देंगे, सन को कैसे देंगे, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर करें और फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।